नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राशि टेक्नोलॉजी में। आज हम आपके लिए लाए हैं HP 240G8, डॉस बेस्ड है, 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है। इसका जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है हम उसको रिप्लेस करके 240 GB SSD लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको ओपन कैसे करना है। सबसे पहले आप देखेंगे दो नट जो हैं ये आपको खोलना है। इसके बाद इसमें कुछ नट इस स्ट्रिप के नीचे हैं, कुछ स्ट्रिप के नीचे हैं, वो हम खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसका जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है 1 TB का, उसको चेंज करके 240 GB SSD से रिप्लेस करेंगे। SSD से हम इसलिए रिप्लेस करते हैं ताकि लैपटॉप आपका अच्छा परफॉर्म करे। तो चलिए आइए इसको खोलना कैसे देखते हैं हम। इसका जो रबड़ है उसको आप धीरे से निकाल लीजिएगा। इसको निकाल के ऐसे रख लें। देन इसमें 3 स्क्रूज हैं, वो हम खोल लेंगे धीरे से। ऐसे ही हम इधर का स्ट्रिप भी निकालेंगे रबड़ का। ये स्ट्रिप भी निकाल लिया है हमने। 4 नट ये हैं और 2 नट आपके ब्लैक हैं। टोटल 6 स्क्रूज हैं इसमें। इसकी रबड़ स्ट्रिप को थोड़ा सा आप उल्टा रखिएगा ताकि ये कहीं और पे स्टिक ना हो। अब हम इसको स्लाइटली स्मूथली धीरे से ओपन करेंगे। ओपन करने का तरीका ये है कि आपको धीरे धीरे इसको लूज़ करना है इस तरह से। आप कुछ प्लास्टिक का लॉक खोलने का आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हल्का सा हमारा लैपटॉप लूज़ हो चुका है। हम इसमें धीरे से माइनस का स्क्रू ड्राइवर भी लगा के लूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा बैक कवर ओपन हो चुका है धीरे से। अब हमको ये जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है इसको रिप्लेस करेंगे धीरे से हम SSD से 240 GB से। आप चाहें तो इसमें M.2 का स्लॉट है, वो भी हार्ड डिस्क आप चाहें तो लगा सकते हैं यदि आपको 1 TB स्टोरेज भी चाहिए हो तो। ये देखिए M.2 का स्लॉट है, लेकिन अभी हम नॉर्मल हार्ड डिस्क निकाल के इसमें 240 GB चेंज करेंगे। ये हमने नया 240 GB लिया है, हिकविजन का 5 ईयर वारंटी। 240 GB हिकविजन का हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपने इसको निकाला था वैसे ही आपको इसको वापस लगाना है। ये इसके लॉक्स, दो लॉक हैं, दिस वन नाउ प्लग दिस वन अगेन। ये हमारा हार्ड डिस्क वापस से लग गया है।
देन हम बैक कवर को एक बार लगा के हार्ड डिस्क चेक कर लेते हैं हमारा आया कि नहीं है। हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो गया है। आपको F9 प्रेस करना है। जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारा माउस काम नहीं करता, तो हमको कीबोर्ड से काम करना होगा। F9 प्रेस करके हमने UEFI वाली पेन ड्राइव लगाई है। अब हम इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10। नए लैपटॉप जितने भी हैं उसके लिए आपको UEFI वाली ही पेन ड्राइव बनानी होगी। उसका भी हम इसी में छोटा सा एक वीडियो है डाल देंगे। ये देखिए हमारा हार्ड डिस्क आ चुका है नया वाला। अब हम इसमें पार्टीशन कर लेंगे एक 120 GB का, दिस वन। ये देखिए हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आसानी से आप नॉर्मल हार्ड डिस्क को चेंज करके SSD लगा सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, लेकिन आप इसे खुद अपने घर में ना खोलें, किसी प्रोफेशनल व्यक्ति की निगरानी में ही इसको खोलें या उससे ही चेंज करवाएं, अदरवाइज़ आपका लैपटॉप डैमेज भी हो सकता है। धन्यवाद।